दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाना। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे किसका? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि टेन ए बराबर 1/√3, ठीक है, टेन ए बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ये इसका और इसका भाग है, तो ज्ञात करना है। तो पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, देखिए ये 90 डिग्री, ठीक है, कौन भी समकोण है। अब यहाँ लिखिए त्रिभुज क्या, टेन ए बराबर 1/√3, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर पी बाय बी, ठीक है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 1, और बी बराबर कितना हो जाएगा √3। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, एच बराबर निकाल लेंगे, तो एच बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, एच बराबर निकालना है पी का वैल्यू 1 प्लस बी का वैल्यू कितना है √3 इसका स्क्वायर 1 प्लस 3 √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये हो जाएगा अंडर रूट √9, और √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, यहाँ 3 लिखे, ठीक है, ये कितना हो गया 4, एच स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, तो एच बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 4, ठीक है, तो एच बराबर कितना हो जाएगा, निकल के आएगा एच बराबर आएगा हमें 2, ठीक, एच बराबर निकल गया, तो मुझे चाहिए क्या, साइन ए और कॉस सी, तो पहले हम निकालेंगे साइन ए, कौन सा एंगल लेंगे, तो यहाँ पे पहले इसको पुट कर लो, पी बराबर अगर साइन ए निकालना है तो ये एंगल मानेंगे थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा एक कर्ण हो गया, कर्ण बराबर ये 2, और लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 1, ये लंब, ये कर्ण, ये आधार बी, तो ये हो जाएगा √3, ठीक है, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण 1/√2, है ना, तो साइन सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो कॉस ए का वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस है, कॉस ए का वैल्यू तो बी बाय एच, बी कितना है √3, एच कितने होगा 2, अब साइन सी का वैल्यू, साइन सी कितना हो जाएगा, ये एंगल हटा दो, ये एंगल थीटा, ठीक है, ये एंगल थीटा, ये √3 नहीं रहेगा, ये हो जाएगा 1, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये थीटा के सामने लंब, ये आधार, ये तो साइन सी का वैल्यू कितना हो जाएगा √3 पी बाय एच, √3/2, ठीक है, अब कॉस सी का वैल्यू निकालो, कॉस सी बराबर आधार बट्टा कर्ण 1/√2, यानी कि बी बाय एच, पी बाय एच, ठीक है, यहां से निकल गया, अब इसका वैल्यू निकाल लेंगे, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, चलिए डालते हैं, साइन ए का वैल्यू कितने हैं, साइन ए का वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई कॉस सी का वैल्यू 1/2 प्लस कॉस ए का वैल्यू √3/2, साइन सी का वैल्यू √3/2, ठीक है, ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये 3 का भी होता है, √3 × √3 √9 का वर्गमूल 3, ये हो जाएगा 4, ठीक है, 4 और 4 का एलसीएम हो गया 4, 1 4 का 4 1 मल्टीप्लाई 1
प्लस चार गया चार, एक मल्टीप्लाई तीन, तीन तीन एक चार बटा चार, चार से चार गया वन, ठीक है ये हो गया आंसर। ठीक है इसका आंसर अब नौ सेकंड देखते हैं, यहीं पे हम सेकंड देखते हैं। चलिए अब इसको मिटा दें, हटवा दें। चलिए सेकंड देख लेते हैं, यही है सेकंड है ना, इसमें पुट कर देते हैं बराबर। कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू रूट तीन बटा दो मल्टीप्लाई कॉस सी का वैल्यू वन बाय टू माइनस साइन ए का वैल्यू वन बाय टू मल्टीप्लाई फिर साइन सी का वैल्यू रूट थ्री बाय टू, ये हो जाएगा रूट थ्री बाय फोर माइनस ये हो जाएगा रूट थ्री बाय फोर, दोनों घटा देंगे और जीरो मिलेगी, यानी बड़ा सा लड्डू है। ठीक है ये घटाएंगे जीरो मिलेगा। ठीक है मिलते हैं अब पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर तथा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है तो साइन पी कॉस पी तथा टैन पी का मान ज्ञात करना। तो हमने एक ट्रायंगल बनाया पी क्यू आर, ठीक है पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है 90 डिग्री है और पी, चलिए ये हम त्रिभुज बना लिए। तो अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो गिवन जो है क्या है, गिवन है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है ये सब, तो यहाँ से हम पी आर निकाल लेते हैं, यहाँ बताइए पी आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर, इसको इधर ले आए, ठीक है मुझे पी आर पता चल गया, ठीक है मुझे पी क्यू पता है पी आर पता है, चलिए पी क्यू पता है और पी आर हमने पता कर लिया, अब मुझे क्या पता करना रहा क्यू आर, तो पाइथागोरस फॉर्मेशन क्यू आर बराबर, क्यू आर बराबर क्या होगा यही ना, चलिए पाइथागोरस फॉर्मेशन लिखते हैं पाइथागोरस क्यू आर, तो पाइथागोरस पर मैं लिख लेते हैं जैसे बड़ी भुजा का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर जो होगा पी क्यू के स्क्वायर और क्यू आर के स्क्वायर का योग, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर कर दिए। पी क्यू पी आर कितना है, पी आर है 25 माइनस क्यू आर इसका स्क्वायर बराबर, पी क्यू कितना है, पी क्यू है 5 सेंटीमीटर 5 का स्क्वायर, ये यहाँ ए कितना है 25, बी कितना है क्यू आर है ना, इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे ऐसे, चलिए इसमें रखते ये हो गया ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या 2 ए बी 2 ए ये बी ये 25 बी क्या है क्यू आर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस क्यू आर हो जाएगा 25 का स्क्वायर ये करेंगे कितना हो जाएगा 225 माइनस 50 क्यू आर पचास क्यू आर, ठीक है इसको इधर ले आएंगे क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है ये घट के जीरो हो गया, इधर इतना 625 में 25 घटाएंगे, आइए यहाँ देखते हैं छह सौ पच्चीस में 25 गया तो हो जाएगा ये 600
ये 50 क्यू आर माइनस 50 क्यू आर बराबर इधर ये क्यू आर में से क्यू आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये 600 हो गया बराबर एक इधर माइनस में इधर आएगा तो टोटल 50 क्यू आर। तो यहाँ देखिए ये क्यू आर 50 यहाँ गुना में है क्यू आर के साथ, इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ये 600 डिवाइड में 50 इधर बच जाएगा क्यू आर है ना। तो काटिए जीरो से जीरो कट गया, इसे काटेंगे 12 क्यू आर बराबर, क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर क्यू आर निकल गया। चलिए अब पूछ रहा है क्या, साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी पी का यानी कौन सा एंगल इसमें लेंगे, टेंगल में कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला एंगल, कौन सा एंगल लेंगे ये वाला एंगल है ना, ये होगा थीटा, ये एंगल क्या होगा थीटा होगा ना। चलिए इसमें पुट करो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू ये रहा 5 सेंटीमीटर है ना। पी आर बराबर यहाँ पी आर निकालना पड़ेगा, तो चलिए पी आर बराबर क्यू आर फाइंड हो गया, तो यहाँ 25 माइनस यहाँ 12 क्यू आर लाइए, देखिए 25 माइनस क्यू आर 12 सेंटीमीटर, 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर है ना। तो पी आर कितना हो गया ये 13 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर है ना। तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है ना। चलिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया है ना। साइन का साइन पी बराबर लंब बटा कर्ण, तो पी बाय एच, तो पी का वैल्यू 12, एच का वैल्यू 13, ये हो गया। उसके बाद कॉस निकालते हैं, कॉस पी का वैल्यू बी बाय एच, बी बाय एच बी कितना है 5 है, एच कितना है 13 है, फिर टैन पी का वैल्यू पी बाय बी पी अपॉन बी, पी का वैल्यू 12, बी का वैल्यू 5। दिस इज आंसर, दिस इज माय आंसर, दिस इज आंसर, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है, जय हिंद।